कुम्हारी के ग्राम बोरसी में 2 दिवसीय डंडा नृत्य महोत्सव का आयोजन संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम में आसपास के 3 दलों ने शिरकत किया। प्रतिभागी बने बाल गोपाल डंडा नृत्य ग्राम कपसदा, राधा कृष्ण डंडा नृत्य ग्राम सिलपट और नंदलाल डंडा नृत्य गांव करेली ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर कुम्हारी के ग्राम बोरसी में 2 दिवसीय डंडा नृत्य महोत्सव का आयोजन संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत गणेश जी की विधिवत पूजा अर्चना कर की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्राम बोरसी के सरपंच श्रीमती गजपाल मैडम और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता किया डॉक्टर संजय देवांगन चरोदा ने। विशेष अतिथि के रूप में टुमन साहू पंच उपस्थित थे। कार्यक्रम में आसपास के गांव के लोगों की अपार भीड़ मौजूद रही। साथ ही डंडा नृत्य महोत्सव का आनंद यहां ग्रामीणों ने लिया। अतिथियों ने अपने उद्बोधन में कहा कि डंडा नृत्य हमारे यहां होली के अवसर पर विशेषकर गांव-गांव में डंडा नृत्य किया जाता था। आज की पीढ़ी डंडा नृत्य को भूल न जाए, इसलिए संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन का प्रयास है कि हमारी कला संस्कृति लोक नृत्य एवं लोकगीत जनमानस में बरकरार रहे, ताकि आने वाली पीढ़ी डंडा नृत्य के बारे में जाने। डंडा नृत्य एक तरह का शरीर व स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभप्रद है। ये योग की तरह है। इसके अलग अलग नृत्य पैतरे होते हैं जो बहुत ही आनंददायक होते हैं। वैसे मैं तो बचपन से लोक मंच से जुड़ा हूँ और हिंदी थिएटर से भी जुड़ा रहा। फिर बाद में मैं लोकमया करके संस्था बनाया और छत्तीसगढ़ की बहुत सारी विधाएं हैं जिसको लेकर के आज बहुत ज़रूरत है कि उस विधाओं को, जैसे डंडा नृत्य है, सुवा नृत्य है, फाग गीत है, जस गीत है, हमारा छत्तीसगढ़ का नाचा है। छत्तीसगढ़ के नाचा को तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हबीब तनवीर साहब ने स्थापित किया। चोर चरण दास को लोग देखते हैं और यहाँ रिंगनी रवेली साज था, राय खड़ा साज था और हर गांव में नाचा के साज थे, लेकिन ये लुप्त होती विधा हो गई है अब। इसलिए इस लुप्त होती विधा को शासन भी चाहता है कि हमारी छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और पहचान है। नाचा एक ऐसी विधा है जिसमें आदमी अपनी परिस्थितियों को, अपनी मजबूरियों को, अपनी समस्याओं को प्रकट करता है। नाचा का कोई भी गम्मत हो, उस गम्मत में अंतिम में जाके पॉजिटिव सोच रहता है कि नशाबंदी है, महिला उत्पीड़न है, बाल विवाह है, इस तरह की, या छुआछूत है, या साफ सफाई की बात है, ये इस तरह की गम्मत में आखिर अंत में जा करके कोई वैचारिक और सामाजिक समस्याओं को लेकर के गम्मत होता है। नाचा महोत्सव है और ये छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से हो रहा है। ये नाचा को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है क्योंकि नाचा विलुप्त हो रहा है और नाचा से ही लोक कला की शुरुआत हुई थी। खड़े नाच, खड़े साज नाचा, गुदुम नाचा, देवार नाचा, ऐसे नाचा का स्वरूप है। लेकिन सबसे पहले मसाल नाच होता था, जब लाइट नहीं होता था, माइक नहीं होता था और वाद्य यंत्र को गले में लटका करके, कमर में बांध करके जब डांस किया जाता था, नाचा किया जाता था, तो उसको खड़े साज कहते हैं। तो इसीलिए नाचा का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए हम लोगों ने, लोकधारा संस्था ने ये काम किया और सरकार ने इसमें बहुत सहयोग किया। मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आसपास के जो हमारे गांव है, कंडरका है, मुरुंदा है, बोरसी है, छोटी है, ये सब आसपास के लोग भी इसको, कार्यक्रम को देखने के लिए आए और इसमें 3-4 टीमें नाचा की अलग अलग विधा में कार्यक्रम प्रस्तुत किए ताकि लोगों को जागरूक हो, लोग बढ़ावा मिले। और आजकल तो मैं देखता हूँ कि आदमी टीवी के सामने खड़ा होता है, फटफट चैनल बदलता है,
लेकिन नाचा देखने जब आता है आदमी तो बैठा रहता है। अगर जैसे फिल्म देखने जाते हैं पिक्चर अच्छा नहीं लगा तो तुरंत आदमी निकल जाता है, लेकिन नाचा की एक खूबसूरती है, एक खासियत है कि आदमी अगर बैठ गया, गम्मत शुरू हो गया तो आदमी 2 घंटा 3 घंटा बैठ जाता है। ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी नाचा की पहचान है, जान है और शान है, और ये उसका प्रभाव है। ये बहरहाल देर रात तक चले इस कार्यक्रमों में दर्शकों ने देर तक भरपूर आनंद दिया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शरण खरे की रिपोर्ट।